नमस्ते जी सभी को। आज मैं आपके साथ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करने जा रही हूँ, जो है किचन से निकलने वाला वेस्ट जो होता है हमारा, सब्जी के फलों के छिलके। देखो मैं इसमें गमले में इकट्ठे करती हूँ सारी चीज़ें, और जो पूजा के फूल वगैरह होते हैं और जो पौधों की सूखी पत्तियाँ हटती हैं वो भी मैं इसी में स्टोर करती हूँ सब। देखो ये भी पत्तियाँ हैं सब जो पौधों से निकलती हैं, और किचन से जितना भी वेस्ट निकलता है वो सब मैं इसी में इकट्ठा करती रहती हूँ, और मैं ऊपर इसमें डालती चली जाती हूँ, नीचे इसमें खाद बनती रहती है। देखो इस तरह, देखो ये इस तरह मिट्टी का रूप ले लेते हैं, फिर जब ये कंपोस्ट हो जाते हैं ना तो ये मिट्टी का रूप ले लेते हैं, ये सारा कबाड़ गल के, और हमारे घर में खाद तैयार हो जाती है। देखो कितनी अच्छी, इसमें कोई बदबू कुछ नहीं आता है। बस आप इसमें ऐसा करें कि जैसे अब ये मैंने नीचे दबा दिए हैं सब, ये थोड़े से गल रखे हैं, तो इनके ऊपर जो आज का किचन वेस्ट है, ये एलोवेरा के कुछ छिलके थे, तरबूज के कुछ छिलके हैं, ये मैंने इसके ऊपर डाल दिए हैं। और भी जो जैसे सब्जी बनाई, खरबूजे के छिलके हैं, भिंडी के, प्याज के, सब मैंने इसी में डाल दिए हैं ये। अब इसके ऊपर हम थोड़ी सी सूखी पत्तियाँ रख देंगे। आप ऐसा जो छोटे मोटे कागज़ के टुकड़े होते हैं वो भी इसमें डाल सकते हैं, ताकि बैलेंस रहे, मतलब जो गिल्ले छिलके डाल लें थोड़ा सा सूखा डाल दें इसके ऊपर, तो उससे बैलेंस हो जाता है। देखो ये हरी टहनी आज बंदर तोड़ गए थे, तो ये भी मैंने इसी में रख दिए। और इसमें ये प्रोसेस मैं रोज़ करती हूँ, जैसे आज मैंने ये दबा के रख दिए हैं ऐसे, इसको आप ढक दें ठीक है। सब मैं जो भी इसमें हमारे पास है, मतलब सूखे पत्तियाँ वगैरह डाल के सब इसको ढक दूँगी। अब कल का जब दोबारा से इसमें वेस्ट निकलेगा किचन में, तो मैं ला के फिर वो भी इसमें ही डाल दूँगी। तो आप इस तरह इसको कवर करके ढक दें थोड़ा, बस बारिश बारिश नहीं लगनी चाहिए, धूप में रखा है तो ज़्यादा अच्छा है। जब मैं दोबारा वेस्ट लाऊंगी तो इसमें इसे थोड़ा सा एक साइड से हटाऊंगी और इसमें वो वेस्ट डाल दूंगी, ऊपर से पत्तियां फिर ढक दूंगी। और ये बहुत जल्दी नहीं भरता है, क्योंकि आप अगले दिन जब वेस्ट लेके आते हैं तो पहले वाला वेस्ट थोड़ा नीचे चला जाता है। अब मैं इसे थोड़ा साइड में रख दूंगी, क्योंकि अभी तो मैंने बीच में खिसका रखा है। और पहले मैं जिस गमले में बनाती थी वो छोटा था, तो उसमें ज़्यादा दिन का नहीं आता था। तो देखो ये आज नेक्स्ट डे का वेस्ट है, जो सब्ज़ी वगैरह बनी है, जो भी एक्स्ट्रा किचन में मेरे कबाड़ था। मैं बहुत कम डालती हूँ डस्टबिन में इन चीज़ों को, तो अभी मैं वापस आई सुबह को ऊपर, और मैंने ये साइड से ये पत्ते हटाए थोड़े से, और इसमें वो वेस्ट डाल दिया। अब फिर मैं इसको ऐसे ही कवर कर दूँगी, अब नेक्स्ट डे जब होगा किचन वेस्ट तब फिर ला के इसमें डाल दूँगी। तो ऐसे ये प्रोसेस चलता रहता है। और ये गमला महीने भर का आपका वेस्ट लेता रहता है, क्योंकि ये वो गल जाते हैं, नीचे को बैठ जाते हैं, मिट्टी बनती रहती है उनकी। देखो अब नेक्स्ट डे मैं वेस्ट लेके आई हूँ, आज काफ़ी सारा वेस्ट है, क्योंकि धनिया वगैरह भी साफ़ करके रखा था, तो वो सब भी है, और फ्रूट्स वगैरह के छिलके, तरबूज के छिलके आजकल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। इसमें आप सब छिलके डाल सकते हैं, आम के, केले के, प्याज के, जो भी आपकी, नींबू के, तरबूज खरबूजा, जो भी आप डालना चाहें। देखो ये अभी आपको लग रहा है कि ये ऊपर तक भर गया, लेकिन कल या नेक्स्ट डे जब हम इसमें लेके आएंगे दोबारा से वेस्ट, तब तक ये थोड़ा सा नीचे को बैठ जाएगा, तो ये बहुत जल्दी भरता नहीं है। और आप ऐसा, अगर आपके पास नहीं है सूखा कुछ डालने के लिए पत्तियाँ, तो इसके ऊपर थोड़ी सी आप मिट्टी डाल सकते हैं ऐसे, किसी के भी गमले में से थोड़ी सी मिट्टी ले लें और थोड़ी सी मिट्टी डाल दें। नहीं तो जैसे पूजा के फूल होते हैं, देखो मैं पूजा के फूल भी बाहर नहीं फेंकती हूँ, ये देखो मेरे पास पूजा के फूल इकट्ठे हो रखे हैं, तो इन्हें भी मैं इसमें ही रख दूँगी थोड़े से आधे। ये मैंने बैग बना रखा है कि इसमें मैं पूजा की मालाएँ डालती रहती हूँ, वो सूख जाती हैं, तो वो मेरे इस तरह काम आ जाते हैं, उनसे भी खाद बन जाता है। इन्हें रख के मैं अच्छे से दबा दूंगी, और ये जो बहुत सूखे पड़े हैं ये देखो हाथों से ऐसे ही भुर रहे हैं, तो आप इनसे थोड़ा सा क्रश कर दें ना हाथों से, ताकि अच्छे से सूख लें। और ये धागे की चिंता ना करो, जब खाद बनेगा ना धागे अपने आप अलग हो जाते हैं, तो वो तो निकल जाते हैं इसमें से, धागे अपने आप अलग हो जाएंगे जब आपका खाद बन के तैयार होगा।
तभी मैं इसे रख दूंगी। कुछ फूल बचे हैं, अब जब हम दोबारा कबाड़ वो डालेंगे इसमें किचन वेस्ट, तो उसके बाद वो फूल भी इसी में डाल देंगे हम। ठीक है, तो ये काफ़ी दिन आपका चलेगा एक बड़ा गमला, इसमें महीने भर का वेस्ट आपका आता रहता है, क्योंकि नीचे को बैठता रहता है तो ऊपर से आप डालते रहो और नीचे खाद बनती चली जाती है। जब आप नीचे से चेक करेंगे तो इसमें खाद बन जाएगी। 2 महीने में तो अगर बिल्कुल कवर करके रख दोगे आप, तो 2 महीने में बहुत अच्छी खाद बन जाती है। देखो इसमें मैं पहले बनाती थी ये, इसमें मैंने पिछले 20-25 दिन से कुछ नहीं डाला था, ऐसे ही इसके ऊपर थोड़ी सी मिट्टी डाल के छोड़ रखा था। अब देखो ये इसमें मैंने जो फूल डाले थे उनके ये धागे हैं, फूल सब कंपोस्ट हो गए हैं। ये देखो कितनी अच्छी खाद बनती है, देखो ये सब गल जाती हैं पत्तियाँ वगैरह, देख रहे हैं आप कितना अच्छा हो रहा है। अब आप को बाहर से मिट्टी लाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती अगर आप इस तरह अपने घर में इससे बनाते रहते हैं। देखो मैं आपको दिखाती हूँ ये कितनी अच्छी है, इसमें कोई बदबू नहीं आ रही बिल्कुल भी, आप देख सकते हैं कोई कीड़ा नहीं है, कुछ नहीं है। आपके सामने मैंने गमले को पलटा है, बस इसे आप प्रॉपर ध्यान रखें कि इसमें पानी वानी ना लगे और धूप में रहे अच्छे से, तो आपका ये बहुत अच्छे से देखो आप इस तरह करके इसे किसी गमले में भर के रख दीजिए, नहीं तो थोड़ा थोड़ा अपने पौधों में लगा दीजिए यार, या जब भी आपको पौधा लगाना हो थोड़ी सी मिट्टी या रेत लें और ये मिला लें उसमें, आपका पौधा बहुत अच्छा ग्रो करेगा। और देखो मैं ऐसे ही इकट्ठा करती रहती हूँ और फिर ऊपर ला के इसमें डाल देती हूँ। इस बार मैंने बड़ा गमला लिया है क्योंकि ये छोटा पड़ जाता था और ये तोड़ भी दिया है बंदरों ने। और पत्तियाँ देखो, जैसे ये पौधा है इसकी पत्तियाँ सूख रही हैं, ये तो आप इस तरह इन पत्तियों को काट के रख लें। मैंने एक ऐसे ही छोटी पन्नी या छोटा कोई बैग बना रखा है ता जिसमें मैं ये सारी पत्तियाँ वगैरह जो भी निकलती हैं पौधों की इकट्ठी करती रहती हूँ। देखो अब ये 3-4 पत्तियाँ होंगी हैं, ये सब इकट्ठी कर ली। जब अब मैं नेक्स्ट टाइम उसमें किचन का वेस्ट डालूँगी तब डाल दूँगी। अब देखो ये खाली प्याज के छिलकों से भी आप खाद बना सकते हैं, खाली प्याज के छिलके ये जो भी होते हैं जैसे करेले वगैरह बनाते हैं ज़्यादा छिलके निकलते हैं, तो ये छिलके आप एक डब्बे में भर लें, इनसे बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र बनता है आपका लिक्विड वाला। वो तो ठोस हो गया, उसमें से प्रोसेस है काफ़ी लंबा। आप इन्हें ये भरें, इसमें सारे छिलके एक डब्बे में भर लें और इसमें पानी भर के इसे 3 दिन के लिए रख दें। मैं ऐसे ही करती हूँ, 3 दिन बाद ये अच्छे से फर्मेंट हो जाएंगे। जब ये फर्मेंट हो जाएंगे तो इस 1 लीटर पानी को आप एक पूरी बाल्टी पानी में मिला लें और सब पौधों में एक एक मग्गा पानी दे दें, तो इससे आप देखेंगे आपके पौधों की पत्तियाँ बहुत अच्छी ग्रीन हो जाती हैं, थोड़े ही दिन में आपको रिजल्ट इसका नज़र आएगा। तो ऐसे ही आप जैसे मैंने इसमें पानी भर दिया, पानी भर के रख दें और अच्छा आप खाद बनाएं अपने घर में और देश को भी गंदा होने से बचाएं, अपने शहर को बचाएं। चलिए मिलती हूँ अपनी किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।